गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ सोनिया, सोनिया व्लॉग चैनल से। बस अब जैसे कि ठंड हो गई तो ये चेक लगा के ही रखनी पड़ती है, और सबसे पहला काम मेरा यही होता है। मतलब बच्चे स्कूल जा चुके हैं और टाइम हो रहा है 10 बजे का, तो धूप अच्छी निकल आई है। अगर नहीं निकलती है तो फिर चेक लगा के ही रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी हवा आ रही होती है और ठंडक पूरे घर में फैलती है। 2 चिक लगवाई हुई है, उससे काफ़ी राहत मिल जाती है। एक वॉल का काम करती है ये अच्छे से, और 5-6 साल हो गए हैं, मतलब अच्छा पैसा वसूल हो गया, काफ़ी अच्छी लगाई है। और डेली का वही काम जो कि हर हाउसवाइफ का है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, टॉवल छोड़ दिया है, यूनिफॉर्म पहनी, कपड़े छोड़ दिए हैं, तो उन्हीं सबको रखना है, वॉशिंग मशीन में डालना है, मतलब डेली ऐसा ही लगा रहता है। और अब कारपेट बिछने लग गया है तो इसकी क्लीनिंग भी ज़रूरी है। ये रात को बिछाते हैं और हम लोग शाम को बिछा देते हैं। जैसे अब सर्दियाँ है तो बेड यूज़ होता है, क्योंकि बेड पे ज़्यादातर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे भाई वगैरह आ गए और लोग हैं, लगता है कि हाँ जगह कम पड़ रही है, क्योंकि बेड भी मेरा छोटा है, तो कारपेट बिछा रहता है। ऐसा नहीं है कि 2400 घंटे बिछा रहे, क्योंकि उससे क्या होता है, ज़्यादा कंजस्टेड लगता है कमरा, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं बिछाती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद भी इसके अंदर हल्की हल्की सी मिट्टी होती है। अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी तो आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए, झाड़ू लगाने के बावजूद जब मैंने ब्रश मारा है तो इसके अंदर से मतलब रुए रुए टाइप के, जैसे सिलाई का काम है तो धागे वागे ये सब चिपके होते, नहीं निकलते हैं वो है। और बाकी जो भी है, रोज़ कहीं की सामान को सेट करना, और बच्चे पानी तो ले जाते हैं, बॉटल छोड़ देंगे कि उसमें से भर ली है। और ये देखिए, ये कारपेट के अंदर की मिट्टी है, क्योंकि रात को जब भी मैं बिस्तरा बिछाती हूँ तो झाड़ू लगा के बिछाती हूँ, क्योंकि गंदे पे सोया जा ही नहीं सकता है, सपने गंदे गंदे आते हैं बोलते हैं। और बस वही डेली की रूटीन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से मुझे पता लगता है कि हाँ, मैंने जो वीडियो बनाई है आपको पसंद आई है। और कि कोई भी आपको क्वेश्चंस करना है या कुछ पूछना है या मुझे कुछ सलाह देनी है, क्योंकि हर कोई मतलब इतना कंप्लीट नहीं होता है, किसी की राय मिलने से ही कुछ हमें सीखने को मिलता है, तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और बस वही सफाई, वेड़ा वैसे साफ ही था मेरा, बस कमरे में से जो निकली है गंद निकली है, क्योंकि चीकू का खाना भी पड़ा होता है रात को, दाल चावल जो भी वो खाता है और मूली के पत्ते खाता है, तो वो सूख चुके होते हैं, तो वो सब झाड़ के चीकू का बिस्तरा वगैरह सेट करके। डेली रूटीन में मेरा ऑलमोस्ट ऐसे ही, बस विंटर होने की वजह से थोड़ा सा काम बढ़ गया है। और अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। डस्टिंग में जब भी करती हूँ एकदम ड्राई कपड़े से नहीं करती हूँ, क्योंकि वो फिर धूल उड़ के नीचे ही गिरती है। गिरने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो उड़ के दूसरी जगह ही जाती है, ऐसा मैंने खुद से नोट किया है। तो हल्का सा सॉकिंग रखती हूँ, मतलब स्प्रे वाली बॉटल होती है, उससे कपड़े पर जगह जगह पर हल्का हल्का स्प्रे कर लेती हूँ, तो उससे पोंछ लेती हूँ। उससे क्या होता है, उसमें चिपक जाता है, फिर पलटी मार लेती हूँ। कपड़ा मैंने बड़ा रखा होता है ताकि पलटी मार मार के मैं कर सकूँ, इस साइड मिट्टी हो गई है। और अब किचन के अंदर वही मतलब नाश्ते के बर्तन हो गए, बच्चों को बना के दिया था फ्राइड राइस, उन्होंने फ्राइड राइस की रिक्वायरमेंट कर रखी थी, तो रात को ही चावल बना दिए थे, क्योंकि जैसे वो काफ़ी टाइम पहले बने हुए, 1-2 घंटे के चावल होते हैं, उसके फ्राइड राइस काफ़ी अच्छे बनते हैं। और अब सर्दियां हैं तो गर्म पानी में ही बर्तन मांजने का ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि देसी घी वगैरह लगा होता है, बटर वगैरह चिपक जाता है, और इससे क्या होता है, बर्तन भी अच्छे से चमक जाते हैं और सफाई भी अच्छे से जाती है। गर्मियों में तो पानी गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पानी खुद ही टैंकियों का उबल रहा होता है, लेकिन विंटर में मैं हमेशा पानी गर्म करके ही बर्तन मांजती हूँ। अभी आने वाले विंटर में तो शायद धोना भी उसी में ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है पानी बर्फ़ के अकॉर्डिंग। तो बस इसी की क्लीनिंग करने के बाद, मतलब कहते हैं ना, ना ना करते हुए भी रात को भी क्लीनिंग करके सो, किचन के फिर भी कितने बर्तन निकलते हैं। मैं वही सोचती हूँ, दूध मंगाया था इनसे, दूध का डल्लू हो गया, प्लस जिसमें दूध रखती हूँ जग में फ्रिज के अंदर वो ख़त्म था, दूध वो हो गया, और जो बच्चों ने नाश्ता किया, लंच बनाया उनका, मेरे हस्बैंड सुबह चावल वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो फिर उनको अंडा ब्रेड बना के दिया था, फिर मैंने भी वही नाश्ता किया, तो करते करते भी कितने बर्तन हो जाते हैं। मैं यही नोट कर रही थी, मैं कभी तो रात को मांस धो के सोते हैं, नहीं धो के सोते हैं, जिस दिन उस दिन तो अच्छी वाली बैंड बजती ही है। क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना, कि शुरू से मम्मी के घर से ऐसा ही हाल रहा है, एक होता है ना कंजूसी करके बर्तन यूज़ करना, तो ऐसा हो नहीं पाता, ना मुझसे हो पाता है ना घर में किसी और से हो पाता है। खुले हाथों से बर्तन यूज़ करते हैं, जैसे पानी पीना है फटाफट से गिलास ले लिया, और कुछ करना है फटाफट से ले लिया, और ये भी नहीं है कि हैंड टू हैंड करने वाला हिसाब हो, तो
थोड़ा सा बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, और दोनों बेटियां वो भी अपना अलग अलग अगर कुछ खा रही हैं, छोटी वाली तो कई बार कुरकुरे भी लाती है वो भी बाउल में डाल लेती है कटोरी में, तो ऐसे ऐसे करके बर्तन इतने ढेर निकलते हैं ना। बर्तन और कपड़े तो मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मेरे क्या हर हाउसवाइफ के होंगे। और अभी मुझे बनाना है लंच। लंच मेरा दोपहर को ही बनता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता रखा है मेरे हस्बैंड आते हैं लंच करने, बच्चे तो स्कूल से आएंगे लेकिन हस्बैंड भी आएंगे, तो फिर वो सुबह का बना हुआ नहीं खाना पसंद करते हैं, नहीं तो मैं मॉर्निंग में ही बना लूँ, कुछ ना कुछ तो उनको होता है। जब रोटी तो खानी है, वो भी अगर ढंग से नहीं मिल सकती तो क्या बेनिफिट है। तो इसीलिए अब मैं गैस वैस साफ़ करके सेट करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे लेना है शावर। लेने के बाद फिर मैं सीधा किचन में घुस जाऊँगी और बनाने हैं आज मुझे आलू बैंगन की सब्जी। तो सब्जी और रोटी हेलो बनाऊंगी, एवरीवन। और उसके और हाफ बाजू का ही स्वेटर डाला है मैंने, क्योंकि काम करने में पूरी बाजू के स्वेटर से थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इससे क्या है सीने में तो ठंड लगेगी नहीं, और इस टाइम की जो ठंड लग जाती है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। बस जस्ट झाड़ू लगाया, डस्टिंग की है, और आज मुझे उतारनी है ये सब, इन सबको आज मैं उतारूंगी, क्योंकि अब जैसे कि काफी टाइम हो गया है, बीच में तबीयत खराब होने की वजह से मेरा इन सब की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था, सिर्फ अपनी तरफ ही ध्यान था, अब मुझे उतारना है इन सबको। तो पहले पी लेती हूँ पानी, क्योंकि पानी पीने के लिए बस मौके ही चाहिए, अब अपने आप से प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है। एक दो बोतलें भर के हम रख लेते हैं सेंटर टेबल के पास ही, ऊपर साइड में कहीं पे भी रख देते हैं, दिखेगा तो होगा, चल एक घुटी पी ले लेकिन पी तो ले, नहीं दिखेगा तो फिर पूरा पूरा दिन निकल जाता है। तो यही करती हूँ मैं, बॉटल भर के रख लेती हूँ, कुछ काम कर रही हूँ दिख जाता है पानी पी लिया, जैसे अभी डस्टिंग कर रही थी दिख गया, तो मैंने कहा डस्टिंग करके मैं पानी पी लेती हूँ, और ये देखिए मस्ती मार रहा है चिकू आओ ये कह रहा है इसको उधर मैं बैठ के साथ सटा दूं, फिर ये इस पे टापेगा उस पे टापेगा उस पे टापेगा, इधर आओ। अपना बिस्तरा ढूंढ रहा है, उसका बिस्तरा मैंने धूप में डाल दिया है ताकि थोड़ी सी धूप लग जाए, क्योंकि पूरी रात उसी के ऊपर सोता है, तो जिस दिन धूप निकलती कोशिश करती हूँ उसे बाहर डाल दूं। दो रखे हुए हैं, एक पतला ब्लैंकेट है और एक ये गर्म वॉर्म चादर है। इन सबको ना एक बार पानी से निकाल दूंगी, क्योंकि इसके अंदर काफी डस्ट हो रही है, ये देखिए लीव्स वगैरह पे काफी डस्ट हो रही है। तो अब ये हल्का सर्फ वाला पानी होता है उसके अंदर एक बार डाल के 2 मिनट के लिए ऐसे ऐसे करके फिर निकाल के साफ पानी में धो के इसे डाल दूंगी, अच्छे से सूख जाएगी फिर ही उठा के रखूंगी, और ऐसे में ये खराब भी नहीं होगी। ये तो रह गए, वो तो रह गए, उनको भी उतार रही हूँ, वो मिट्टी के हैं तो देखूंगी उसे गीले कपड़े से साफ कर दूंगी, कि मुझे नॉलेज नहीं है, ये तो धुल जाएंगे इसका कोई टेंशन नहीं है। कितनी डस्ट हो रही है नीचे, ये देखने में जितनी सुंदर लगती है ना जब इन पे मिट्टियां पड़ जाती है, मुझे लग रहा है इसको भी पानी में डालना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, मेरी बोतल का मैंने सारा पी लिया लगभग, और मैं शलगम खा रही थी तो मैंने इसकी फाड़ी इसे पकड़ा दी इकुने, स्लाइस काट के, तो वो उसी को चबा रहा इकुने। है। मसूड़े इनके टाइट होते हैं ना इस टाइम, तो बहुत मजा आता है इन लोगों को इस तरीके से चबाने में। और अब मैं करने जा रही हूँ फेस की क्लींजिंग कच्चे दूध से, एवरी यूथ का स्क्रब थोड़ा सा लूंगी डेड स्किन के लिए 500 रुपये। तो फ्रेंड्स विंटर में हमारी स्किन पे काफ़ी डेड स्किन पड़ जाती है, क्योंकि हम दिन में एक ही बार या दो बार मुश्किल से फेस धो पाते हैं, और नहाना तो एक ही बार होता है, और पानी सबसे मेन है, पानी डेड स्किन बनती ही पानी की कमी की वजह से है, क्योंकि खाना तो हम बहुत अच्छे से खाते हैं लेकिन पानी नहीं पीते हैं, तो उससे मॉइस्चर बॉडी के अंदर काफ़ी कम हो जाता है।
तो जो गर्मियों का टाइम होता है उसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ना अपने फेस पे, हाथ पैरों पे, लेकिन विंटर में मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है क्योंकि ऑटोमेटिक, जैसे कि मेरी स्किन आप देख रहे हो काफ़ी फ्लॉपी है, तो उसमें क्या होता है जब ये सूखती है ना एकदम से, इसके अंदर का पानी कम होता है तो बहुत डेड स्किन निकलती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए ज़्यादातर मैं घरेलू ही नुस्खे यूज़ करती हूँ, जैसे कि दूध ले लिया और एवरी यूथ का स्क्रब ले लिया। लिप्स बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है, आप भी वीडियो में देखते हो और ये मैंने उप लगा रही हूँ तो ये मुझे ही देखे जा रहा है, मुझे ही देखे जा रहा है, तो मैं उसको डरा भी रही हूँ, तो डर भी नहीं रहा साथ ही साथ देखे जा रहा है, मस्ती मार रहा है। तो होता क्या है कि पानी की कमी, अभी मैं आपके सामने कितना पानी पीती हूँ वीडियो में भी पी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि छुपाती हूँ, और आप देखो रिजल्ट दोनों में, पहले में और अब में बहुत फ़र्क आता है अगर आप इसे डेली करते हो विदाउट स्क्रब, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूध दूध से बढ़िया तो कोई क्लींजिंग हो ही नहीं सकती, क्लींजिंग मिल्क भी लिखा होता है जो हम लेके आते हैं फेस पे करने के लिए, तो मुझे लगता है कच्चा दूध सबसे अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद आपने साबुन नहीं लगाना है जितना विंटर में हो सके फेस के ऊपर या बॉडी, साबुन विंटर में बहुत कम लगाना चाहिए क्योंकि वार्म पानी से ही हमारा मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है। अगर लगाना है तो माइल्ड साबुन लगाइए, जैसे कि पेयर्स वगैरह हो गए, और ये चीकू को भी नहला रही हूँ, देख सकते हो आप धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। तो जब तक तो ये गर्म पानी की बकेट में बैठा था तब तक तो मस्त था, मैं बाहर निकाल के इसको वॉश कर रही हूँ तो भागने की कोशिश कर रहा है, मैं कहा पहले अच्छी तरह नहा ले। तो ये मेरा, मतलब मेरी बहन का बेटा, पिछली बार राखी में आया था तो छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया और बहुत मस्त खो रहा है, देखेगा तो बस कहेगा मुझे खिलाओ, मतलब सिंगल नहीं खेलना पसंद करता है, इसको होता है कुछ ना कुछ मेरे साथ मस्ती मारते रहो, तो बहुत मस्ती मार रहा होता है, पूरा दिन कैसे बिता देता है पता नहीं लगता, और जब चला जाता है ये देखिए ऐसे कहेगा मुझे ज़्यादातर खड़ा करवाओ, इसके खड़े में इतनी पिक ले रखी है हम लोगों ने, टिकता नहीं है लेकिन अभी है ही 7 महीने का, बहुत मस्तियाँ मारता है। तो थोड़ा सा हिला डुला लिया, बिठा दूंगी थोड़ी देर के लिए खेलेगा, और यह हमारा इवनिंग टाइम, तो अब बज रहे हैं शाम के 6, तो बस चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सर्दियाँ हैं, और ये दोनों भाई और ये मेरी सिस्टर और उसका बेटा, तो जैसे कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, और कहते हैं कि 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ बच्चे को खिला देना चाहिए, और हर चीज़ें खिलानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खिलाना चाहिए वो नहीं खिलाना चाहिए, मेरे खुद दोनों बच्चे ऐसे ही पले बड़े हैं, मतलब घर में बड़े जो लोग होते हैं ना वो एक तरीके से सही बोलते हैं, जैसे मेरे इन लॉज तो नहीं था लेकिन मेरे मम्मी पापा ने दोनों बच्चों को अच्छे से पाला है, तो वो लोग क्या करते थे, दाल चावल खा रहे थे थोड़ा सा चटा दिया दाल, थोड़ा और बड़ा हुआ तो कुछ और खिला दी, तो अब हम भी इसे ना थोड़े से चाय रस ही खिला रहे हैं, मतलब मुश्किल से बहुत छोटा सा टुकड़ा है लेकिन वो मस्ती मारने में लग रहा है कि मुझे खिला लो, जैसे दोनों उसके मामा बैठे हुए हैं तो वो लेके ना गली में जाते हैं कंधे में बिठा के, तो वो कह रहा है मुझे लेके जाओ क्योंकि सुबह से इसी कमरे में बैठा हुआ है, तो उसे मस्ती मारते मारते खिला रहे हैं, तो कंधे पे बैठ जाता है तो वो समझता है मैं घूमने जा रहा हूँ, तो हंस रहा था मैंने फिर मुंह में डाल दिया। मतलब बच्चों को खिलाना ना बहुत आसान होता है लेकिन अगर कोई कर पाए, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होते हैं, एकदम ही नरम से होते हैं, इनको जैसे ढालोगे ना वैसे ही डल जाएंगे। मेरी सिस्टर की हुई पड़ी है तबीयत थोड़ी सी ख़राब, तो वो कर रही है रेस्ट, और मैं लगा रही हूँ शाम का झाड़ू क्योंकि मुझे लगाना ही पड़ता है, जैसे कि अभी आपने देखा था बच्चे भी थे घर में तो चप्पल वगैरह की मिट्टी आ ही जाती है, और फिर इतना ही कमरा है, तो अब मैं बिछाने जा रही हूँ मैट, क्योंकि अभी मतलब नीचे बैठ के ही जितना काम होगा होगा, तो बस यही है मेरी डे की रूटीन, इसी तरीके से ये दिन निकल पति जाता है। देव पोती, हमारे पोती, ये हमारा पोती है। अच्छा खासा पति था, मैं मेरे को चाय का पत्ती बना के रख दिया। खुद ही बना। और ये मेरा पूरा का पूरा रिटायर हो चुका है क्योंकि इसके अंदर की डिब्बिया आ गई दोनों, आई डोंट नो, क्रैक हो चुकी हैं, अनयूज है, और ये देखिए काफी सारी डिब्बिया खराब हो चुकी है। बोलो क्या है ये? ओहो, तो इसको तो मैंने कर दिया रिटायर क्योंकि अब मेरे ये अनयूज है, लेकिन फेंकूंगी मैं फिर भी नहीं, क्यों पागल है, इसको इग्नोर मारे। ये पूरी कोशिश करता है कि मेरी वीडियो में ये आए आए, और मैं हमेशा इसको कट, और मैंने लिए इस टाइप की डिब्बिया, ये 10-10 रुपए की मिल गई थी मुझे, ये इजीली जो भी हमारे इधर संडे मंडे ट्यूसडे इतनी सारी मार्केट्स लगती है, ये
ये भी स्प्रिंकल करने वाली है इस तरीके से, और इधर से खोल के आप कुछ भी ले सकते हो। तो पहले जब मैं ये सोच के लेके आई थी कि जीरा पाउडर और सब डालने के लिए, फिर बाद में मुझे ये चीज अच्छी लगी इसकी कि मैं इसको इस तरीके से भी रख सकती हूँ, क्योंकि ये देखने में भी अच्छी लग रही है और ये सुरमा कलर है, ग्रे कलर है। इसके अंदर भी सेम यही सिस्टम है, ये देखिए स्प्रिंकल करने के लिए और ये डायरेक्ट डालने के लिए। तो ये चार पांच सौ को समथिंग निकल गया है, इतना टाइम निकल गया है। तो ये मैंने कुछ परचेज की है कुछ इस तरीके की, इसमें सिर्फ सिंगल जिप तो पीछे अंदर भागो गीता के घर गई है वो, नहीं कहाँ पे बोलू, देख के आया जा रहा है। इसमें सिर्फ स्प्रिंकल कर सकते हो या सीधा डायरेक्ट खोल के। हाँ बोल जा, ले जा। एक मैंने लिए इस तरीके, ये सब 10-10 रुपए के लिए। तो स्प्रिंकल करने के लिए मैं ये लेके आऊंगी और ये वाली इस टाइप की सामान रखने के लिए। और ये हमेशा वीडियो में आने की कोशिश करेगा और मैं हमेशा कट करूंगी, कट कट बात कट। खाने की तैयारी, चिकन बनने जा रहा है आज। क्या देख रहा है अंजू? हाँ जी। अपनी ड्रेस दिखा, कैमरा मेरे पास करो, अगर मैं बैठ के आ जाती हूँ ऊपर करो। उसकी ड्रेस अब भी लेके आई थी मैं, ऑफ सीजन चल रहा है ना। ढंग से खड़ी हो, ढंग से खड़ी हो ना, पहले दिखा तू दे ऐसे करके। ऑफ सीजन चल रहा है तो ये मुझे 350 की मिल गई थी तो मैंने परचेज कर ली। अब विंटर आ गए हैं तो जो समर के कपड़े हैं उनके लिए वो सेल लगा देते हैं ताकि अच्छे से माल निकल जाए। तो वही मैं गई थी लेने के लिए, अपना ये टॉप लेके आई हूँ और बेटी का ये ड्रेस लेके आई हूँ। करोड़पति कौन कौन देखता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिकन बनने जा रहा है तो चिकन की रेसिपी मैं नहीं शेयर करूँगी। कई वेजिटेरियन लोग भी हैं जो देखते हैं, जैसे कि मैं कच्चा चिकन देख लूँगी तो मैं खुद भी बना नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ मसाला करके देती हूँ हस्बैंड को, वही डालते हैं। जब पूरा पक जाता है तब मैं सर्व कर देती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से खाना छोड़ दिया और मैं कच्चा देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। और इसीलिए मैं वीडियो भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि जो लोग नहीं खाते हैं मुझे पता है उनके लिए ये काफ़ी हार्ट होता है। सर्दियों का इंतजाम गोलू मामा, मेरा टॉप सिर्फ आगे से देखना, पीछे से मत देखना, देखो। आई नो, मैं लेके आ रहा हूँ। क्या बनाया गोलू इसमें? इसमें बनेगा सी कबाब, जैसे कि रोल, जैसे कि पनीर टिक्का, मशरूम, ये मेरा फेवरेट आएगा चिकन, इसमें सोयाबीन चाप। मामा ये टॉप ना किसी में भी जस्ता, मैंने पहले तो अच्छा लग रहा है टॉप, हो गया नहीं बहुत सुंदर लग रही है। अब लेके आने कोयले, जाली मामा, अच्छा किस तरह बनाते हैं? हाँ यार मशरूम ले आके खुद बनाओ है, सारा शादी पार्टी में सबसे ज्यादा लायक मशरूम वाले के पास ही होता है। बता दिया तुमने, शुक्र है। और जो मैंने टॉप पहन रखा है इसके पीछे जिप जा रही है और मेरे हस्बैंड बहुत मजाक उड़ा रहे हैं कि जिप तो पीछे है, खोल के पहनने की कैसे, तो इसलिए उस पर काफ़ी कॉमेडी चल रही थी पहले। और ये बाबू जी कह रहा है आज ही कुछ ना कुछ बना लेते हैं, चिकन आया है उसको हम फ्राई वो करते हैं, बारबेक्यू वगैरह करते हैं। मैं कह रही हूँ अभी रहने थे भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, संडे एक दिन तय कर ले तब कर लिया करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा सा। मैं मिलूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।